हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आज ठंडी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सुबह सुबह अभी बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें गाइस, खाना बनाना है तो बस मैं अभी उठी हूँ। ये देखिए, ये करेला मैंने छौंक दिया है और यहाँ पे मैंने चाय बनाई है, और ये मैंने अपने लिए चाय ली है पीने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह यदि चाय पी लो ना तो फिर हाथ पैर भी काम करते हैं। और ये मैंने दलिया बना के रख दिया है, ये देखिए, क्योंकि मेरे यहाँ सुबह चावल नहीं खाते हैं कोई, तो मैंने दलिया बनाया है और दाल चढ़ाने के लिए रख दिया है। तो बस मैंने सोचा चलिए अभी सुबह से अपना ये ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। और कल मैंने अपना कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं कल कहीं पूजे में चली गई थी, इसलिए सॉरी गाइस, मैं कल नहीं बना पाई अपना कोई ब्लॉग। तो मैंने सोचा चलिए आज सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं मॉर्निंग में। और हम और तो क्या, अर्ली मॉर्निंग यही काम होता है, सुबह से खाने में जुट जाना। तो ठीक है, मैं अभी आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, पहले मैं अपने लिए चाय पी लूँ। ठीक, ये देखिए थोड़ी सी भिंडी रखी हुई, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी भिंडी भी छौंक देते हैं करेले के साथ साथ। उधर अपना करेला पक रहा है, इधर मैंने सोचा चलिए भिंडी छौंक दे। तो बस यहाँ मैं भिंडी भी छौंकने लगी हूँ और इसके बाद में आटा लगा के रखूँगी। तो ठीक है, आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून। तो बस अभी मैं फुर्सत हुई हूँ सारा काम करके और बहुत थक गई हूँ, और देखिए अभी 2:45 बजने वाले हैं। और जैसा कि मैं सवेरे मॉर्निंग क्या अर्ली मॉर्निंग तो सभी हम औरतों का यही काम होता है, सुबह उठ जाओ, खाना बनाओ, खाने बनाने में लग जाओ, जो ड्यूटी होती है उसको सुबह से शुरू हो जाती है। और फिर मैं चाय बना के पी थी, आपको मैंने दिखाया, फिर बर्तन पड़े थे, कपड़े पड़े थे, झाड़ू पोछा सभी सारा काम पड़ा था, फिर मैंने सारा काम फिनिश किया और अभी मैं फुर्सत हो गई हूँ। और छत में ले गई थी कपड़े मतलब डालने के लिए, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी थी। और कल जो है हम लोगों के यहाँ सुबह से लाइट चली गई थी, आई थी 1 बजे, तो कल का भी सारा काम नहीं काम क्या कपड़े पड़े थे, तो फिर मैं आज सारे वॉशिंग मशीन में डाल के सारे कपड़े धोई हूँ, धो के छत में ले गई और अभी फुर्सत हुई हूँ। और क्योंकि जब ज़्यादा काम हो जाता है तो मैं फिर सुबह खाना खा लेती हूँ चाय वाय पीने के बाद, फिर क्योंकि फिर समय नहीं मिलता है, फिर 1:30-2 बज जाते हैं, तो इस वजह से आज मैं सुबह ही खाना खा ली थी। तो अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा सा आराम भी करूँगी। और कल मैं हम लोगों के एक पूजा थी तो मैं उस पूजे में चली गई थी, इसलिए मैं फिर कल का कोई ब्लॉग भी नहीं बनाई थी। और कल लाइट भी नहीं थी तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊं ब्लॉग में, तो इस वजह से कल मैं बनाई भी नहीं थी। अब मैं बहुत थक गई थी और शाम को सारा, जैसे कि लाइट सुबह नहीं थी तो सारे काम पड़े थे, बर्तन वगैरह सब रख दी थी, फिर शाम को 1:30 बजे लाइट आई है, तो फिर जब मैं वहाँ से आई पूजा में गई थी, तो मैं जब वहाँ से आई हूँ तो लाइट आ गई थी, तो फिर मैं सारे मतलब जो बर्तन वर्तन पड़े थे सब उसमें मैं मांजने धोने में लग गई। तो कल मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला कि मैं अपना ब्लॉग बनाऊँ, तो कल मैं कुछ भी नहीं बनाई, तो बस अभी फुर्सत तो ही हूँ। और अभी आज देखिए मैंने अभी अपनी दवा तक नहीं खाई है, सुबह चाय वाय पी थी उसके पहले ही खाली पेट वाली दवा खा ली थी, लेकिन अभी खाना खाने के बाद वाली अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं अपनी दवा खाऊं। तो बस अब मैं अभी फुर्सत हो गई हूँ, सारे काम मेरे पूरे फिनिश हो चुके हैं और बस मैं जा रही हूँ अभी दवा खाऊँगी, दवा खाने के बाद थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि बहुत थक गई हूँ, थकान लगती है। हमने जैसा कि मैंने बताया था मुझे थायराइड है, तो मैं अगर कोई काम थोड़ा सा भी कर लेती हूँ तो मुझे बहुत थकान महसूस होता है, क्या करूँ अब, तो जब तक दवाई खानी ही है सुबह थायराइड की, खाली पेट उठते ही आँख मूंदते ही उठो पहले दवा खाओ, और यदि किसी दिन मिस्टेक हो गई तो फिर अगले दिन 2 खाओ, तो क्या किया जाए, क्योंकि अपने लिए कुछ समय हम नहीं निकाल पाते, मैं वॉक वगैरह भी नहीं कर पाती हूँ
अभी तो ठंडी भी है, रात तो बड़ी होती है लेकिन फिर भी सुबह नहीं हो पाता है, मैं नहीं उठ पाती हूँ। तो अपने लिए तो मैं कुछ भी समय नहीं निकाल पाती कि मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँ या एक्सरसाइज योगा कर लूँ, क्योंकि 10 ऐसे बज जाता है फिर लगता है कि, क्योंकि खाली पेट कुछ खाली पेट मतलब जैसे कि फल वगैरह खा ले तो एक्सरसाइज योगा, फिर जब भूख लग जाती है, दिन भी इतना छोटा होता है, इतनी जल्दी टाइम हो जाता है कि मालूम नहीं चलता, फिर इतनी देर तक भूखे रहो तो खाली पेट भी नहीं रह जाता, मुझे चक्कर सा आने लगता है। तो इस वजह से इस समय मेरा सारा रूटीन गड़बड़ है, कोई रूटीन मेरा सही नहीं है। पहले तो थोड़ा बहुत मैं अपना एक्सरसाइज योगा के लिए 30 मिनट निकाल लेती थी, लेकिन इस समय कुछ भी नहीं, क्या करूँ, नहीं कर पाती हूँ, बस घर के कामों से ही थक जाती हूँ। तो ठीक है, मैं अभी रखती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा आराम करना है और मैं थक गई हूँ, इसलिए मैं रखती हूँ। बाय बाय।